वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। धन धन साहब सतगुरु श्री गुरु रामदास पातशाह जी का कोटान कोट धन्यवाद आ कि पिछले समय दौरान पार्टी ने मेरे ते यकीन करके बतौर मुख सेवादार की सेवा बख्शिश की सी। ये समा चुनौतियां भरिया भी रहा पर गुरु रामदास पातशाह जी ने तरस करके सारी समुची एग्जैक्टिव अहुदेदार साहबान सार्थक तौर पर सारिया के सहयोग के नाल यह समा जिहड़ा पिछला सी वह सारा गुरु साहब जी दे सतगुरु जी दे आशीर्वाद सदका चुनौतियां नूं एक पासे लांभे रखदे होए इन्हां सारी ऑब्जेक्टिव की जिहड़ी सेवा सतगुरु जी ने अपने दर ते प्रवान की। और पिछली चोण जिहड़ी साडी 29 नवंबर नूं होई सी ऐतकी असीं चोण इह 20 दिन पहलां रख ली आ। मैं जिथे सतगुरु जी का कोटान कोट धन्यवाद करदा उत्थे अपनी पार्टी के श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सरदार सुखबीर सिंह जी बादल उन्हां दे नाल समुचे तौर पर सारी सीनियर लीडरशिप सीनियर लीडरशिप इस करके मैं कहना कि हर एक दे अपने विचार होंदे आ पर सारिया ने समूहिक तौर पर एक सुरता दे नाल ये जिहड़ा मेरे ते यकीन ते ट्रस्ट किया मैं उन्हां दा समुचियां दा बहुत बहुत धन्यवाद करना। दूसरा धन्यवाद करदा श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के समुचे हाउस का क्योंकि जिन्होंने अपने सारे विचार पार्टी प्रधान नाल डिस्कस करके मेरे नाल भी बैठे इत्थे अपनियां रावां दिंदे रहे उन्हां सारियां दा भी धन्यवाद करदा जिन्होंने ये आउंदे समें लई मैनूं सेव इस पोस्ट दे बतौर मुख सेवादार होण दा माण ते बल बख्शिश कीता। सो समुचे तौर ते सारे श्रोमणी अकाली दल ते प्रधान साहब दा ते श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दे मैंबर साहिबान दा बहुत बहुत धन्यवाद करदा। उहदे नाल क्योंकि आ जिहड़ा समां हुण चल रिहा निरसंकोच मैनूं कहण दे विच कोई गरेज नहीं कि कांग्रेस ने लंबा अरसा चाहे वह समा बिफोर पार्टीशन सी चाहे आफ्टर पार्टीशन सी वह हमेशा ही सिखां दे मसलियां दे विच हमेशा ही अपना जिहड़ा वह सिर फसाउंदी रही। अल्टीमेटली उन्हां नूं यह महसूस हो गया भी इहदां दे विच दखलअंदाजी धर्म दे विच नहीं करनी चाहीदी पर अज एक नवीं जिहड़े बलबले शुरू हो गए आ वह हैगे आ भी कुछ पार्टियां जिन्हां दे विच समुचे तौर दे उत्ते RSS ते BJP वह सीधे तौर पर दखलअंदाजी शुरू कर दिती आ। इहदे मेरे को बहुत सारे अपने तौर दे उत्ते मैंबर साहिबान ते होरनां दे जिन्हां दे विच ही वह निकल रहे मैनूं सारे मिलदे भी आ। एक इस दो मुल्क का अज तक का दस्तूर रहा भी जिहड़ा घट गिणतियां का चेयरमैन रहा वह घट गिणती चेयरमैन हमेशा ही घट गिणती की रक्षा करता रहा चाहे सिख हो चाहे कोई होर अपने जिहड़े जातां वाले हो कम्यूनिटीज हो पर अज सरदार अकबाल सिंह लालपुरा जिहड़े IPS रिटायर होए आ घट गिणती चेयरमैन उन्होंने बनाया तो इस करके से घट गिणती की रक्षा करूंगे पर अज सिखा दे इस मसले के इस आउंदी इलैक्शन दे विच बहुत सीधे तौर पर खुल के जिहड़ी दखलअंदाजी कर रहे हैं। मैनू मालवे के मैंबर साहबाना ने टेलीफोन करके कहा कि असी सारियां नूं टेलीफोन करते हैं जाति तौर पर मैं फलाना बोलदा ते तुसी ऐतकी साडे कहा मनो ते वोट फलाने बंदे नूं पाओ। कुछ बंदियां ने रिजैक्ट भी किया अखबार च परसों चौथे खबर भी जी च लगी सी। मैं समझदा घट गिणती का चेयरमैन जे घट गिणतियां नूं आप ही खाण लग पिया ते फिर निरसंकोच वह बहु गिणती की तर्जमानी करता जिस बहु गिणती ने उन्होंने लाया
ते जे बहु गिणती का अज यो ही आ कि आप घट गिणतियां की सुरक्षा की बजाय सिखां दे धर्म दे विच सीधी दखलअंदाजी करनी आ ते मैं समझना ये बहुत बड़ा एक कोझा जतन आ जिहड़ा कौम ने कदे भी असैप्ट नहीं किया। और उहदे नाल दी नाल एक मीटिंग पिछे की गई दिल्ली विखे वो दो मैंबर सत्कारत उन्हां नूं उतों भी मैनू मिली खबर रूबरू हो के कि उत्थे दिल्ली मीटिंग की गई तो यह कहा गया लालपुरा साहब के घर के तकड़े होके आउंदी इलैक्शन दे विच आपां श्रोमणी अकाली दल दे जिहड़ा भी अहुदेदार जां प्रधान आ उहनूं हराइए। सो मैं समझना बड़ी वड्डी एक माड़ी साजिश चल रही आ कि पहला तख्त हजूर साहब चाहे नानक मता ते चाहे आपां दिल्ली की गल कर लईए हरियाणे की गल कर लईए ते जिहड़ियां असीं गल्लां कहिंदे सी वी हरियाणा कमेटी दे विच होण वालियां उह अज सच हो गईआं। एक्ट एक वखरा बन गया, गवर्नर ने एक नोटिफिकेशन वखरी कर दित्ती कि 141 मैंबर आ डेढ़ साल लई वो पहला अपने नॉमीनेट किए जाएंगे और फिर जे नहीं बनती इलैक्शन फिर वो नॉमीनेट किए जाएंगे। तो मैं उदन भी प्रेस थानू कहा सी कि इहदे विच एक मद जिहड़ी माड़ी आ वो आ वी इहदा पैटर्न जिहड़ा आ वो सरकार सलाह करके इहदा पैटर्न नियुक्त करूगी। पैटर्न कदे भी साडा मनुख नहीं रहा, साडा पैटर्न धन धन साहब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब आ। ये तो हुण लिखती जिहड़ी 24/10 नूं नोटिफिकेशन होई आ इस असीं खालसा जाहर करदे सी जिथे लालपुरा साहब मेहरबान होकर लगे हुआ पूरे जोर दे उत्ते उत्थे मैनू ये भी रिपोर्ट मिली आ पुख्ता तौर पर सच्ची भी आ कि जेडे पिछले दिनों चाहे कांग्रेस छड के गए आ बीजेपी च चाहे अपने दूसरिया पार्टियां जो छड के गए आ वो मैंबरां दे कोल जा रहे आ और उन्हां नूं ऑफर की कर रहे आ भी दसो तुहाडा किन्ना कदम ला दईए। मैंबर श्रोमणी कमेटी दे कदे भी सत्कार जो गया अपना मुल नहीं पाते, वो पंथ के नाल खड़े आते खड़े रहिंदे आ। पर मेरा कहने तो भाव है कोझा जतन अज हो रहा जलंधर दे विच भी हो रहा, इहो जतन अज लुधियाने दे विच भी हो रहा, इहो जतन जिहड़ा आ होरनिया जिलिया दे विच भी हो रहा चाहे वह बठिंडा आ चाहे वह मानसा आ, क्योंकि कोई गल लुकी छिपी नहीं रहिंदी। ते मैं समझना कि तुसीं पहला एक तो हल करो कि तुसीं ये जिहड़ी बीजेपी पार्टी नूं रिप्रजेंट करदे आ तुहाडा सिक्खी दे विच विचार सिक्खी दे विच भरोसा हैगा, तुसीं सिख धर्म नूं इस जिहड़ी साडा मीरी पीरी दा सिधांत है इहनूं एक्सैप्ट करदे आ। ते जे करदे आ फिर श्रोमणी अकाली दल दे विच आ जाओ जे इन्ना ही अपना चा मलार पूरे करने आ। पर एक घट गिणती ते खास करके श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं तहश नहश करन दा बहुत एक कोझा जतन चल रहा, पर मैं आ मैंबर साहिबान बैठे इन्हां सारिआं दा धन्नवाद करदा। कल्ले कल्ले जिथे भी किसी नूं टेलीफोन आउंदा 10 मिंटां बाद मैनूं टेलीफोन करदे आ कि प्रधान जी अज आह बंदा आया सी अज आह बंदा आया सी। ते मैं समझदा फिर होर दखलअंदाजी किदां होणी आ, होर इह सिद्धी दखलअंदाजी खालसा पंथ कदे बर्दाश्त नहीं करदा। उहनां नूं बेनती करदे ने निमरता साहिब इस अग दे विच हथ ना पाओ, इह सिखां दा नरोल मसला, सिखां दी सरमौर संस्था आ, उस सरमौर संस्था की चोण इन ड्यू कोर्स ऑफ ला हर साल होंदी आ। पहला भी कांग्रेस ने जतन किए पर बूर ने पाए पिछे मुड़ते रहे। सो इस करके उहदे नाल तकरीबन मैं हर एक जिले का संपर्क किया साध्या आ ते हर एक जिले के विच ये व्यवस्था रिपोर्टा भी आ। दूजा पिछले दिन ही पंजा साहब का साका असी उहदी 100 साल शताब्दी मनाई आ ते मैं पाकिस्तान दे सिखां नूं अचेचे तौर ते बधाई भी दिना जिन्हां ने बाद चढ़ के उत्थे उस रेलवे स्टेशन ते भी कीर्तन कीता जिस जगह दे उत्ते ये सारी साका जिहड़ा वरत्या सी। ते पंजा साहब गुरद्वारा साहब विखे भी चढ़दी कला दे विच उह जिहड़ा पवित्र महान शहीदां दी जिहड़ी याद आ उह मनाई गई आ। और मैं उत्थों दे सारे प्रबंध का भी धन्यवाद करदा जिहड़े उन्हां दे उत्थे अवैक्यू बोर्ड दे सिगे चेयरमैन साहब ते दूसरे जिद्दां दीआं असीं आसां क्योंकि उन्हां नूं कुछ गल्लां कह के भी आए हां उन्हां भी सारिआं दा धन्यवाद करदा समुच्चे तौर ते अपने सारे हाउस दा।
आ जिन्ना हाउस सारा जिन्होंने मैंबर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का जिन्होंने मेरे ते यकीन किया। एक मैं अंत दे विच होर तुहानूं इस मीडिया राही साडी सत्कारयोग बीबी जगीर कौर जी साबका प्रधान श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी उन्हां नूं भी बेनती करनी चाहूँगा कि हुण मौका आ आपां श्रोमणी अकाली दल दे विच तुहाडी वड्डी सेवा आ तुसीं एम एल ए भी रहे तुसीं वजीर भी रहे आ तुसीं जिहड़ी साडे हैगा विंग बीबियां दा उहदे प्रधान भी आ ते तुसीं श्रोमणी कमेटी की प्रधानगी भी की आ ते निम्रता सहित बेनती आ पार्टी नूं इस लई तकड़ा करन दा अपने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं इस लई तकड़ा करन दा समां आ इहनूं आपां तकड़ा करिए ते आपां जिहड़े मत भेद को गिले आ ਉਹ ਗਿਲੇ ਭੁਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਡੀ ਜਮਾਤ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਤੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਆ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਆ ਸੋ ਇਹੋ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਪੋਤੇ ਦਾ आनंद कारज सी जिहड़े 20वीं सदी के महान सिख जिहड़े महान अमर शहीद जिन्हां नूं बड़ा बड़ा दर्जा सतगुरु जी ने अकाल तख्त तो बख्शी किया सिख पंथ के महान शहीद संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरांवाले उन्हां दे पोते दा आनंद कारज सी उत्थे चौक मेहते उत्थों थोड़ा जिहा लेट होण करके तुहानूं थोड़ा जिहा 40-45 मिनट का इत्थे बैठना भी पिया तुहाडा सारी प्रैस का भी दिल दीआं डगाइआं तों बहुत बहुत धन्नवाद करदा। अंत दे विच फिर बेनती करूँगा कि घट गिणती कमीशन दे चेयरमैन साहब थानू घट गिणतियां दी रक्षा लई बनाया गया तुसी एक पार्टी दे बुलारे बन के ना चलो बतौर चेयरमैन सारिआं नूं एक अख दे नाल देखो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पार्टी दे विच देखो 9 तरीक नूं इलैक्शन आ उह तुहाडे सामने सारा कुछ आ जाणा। पार्टी ने मैनू डिक्लेयर किया कैंडीडेट मेरी मर्जी थोड़ो मैं पता पाया था पार्टी के अंदर सिर झुकाया पार्टी का सवाल ही थोड़ा रैलीवेंट नहीं गा बनता दिल्ली की चोण हुई की होया दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की चोण होने तो बाद जिस दिन प्रधानगी की चोण से मैं उहदे विच बैठा सी उत्थे किन्ना क दखलंदाजी की तुहानूं सारिआं नूं प्रैस नूं मेरे तो वध पता आ हुण हरियाणे दे विच जो कुछ होया तुहानूं सारिआं तो वध पता सीधी दख जे पार्टनर रहे तो उस वेले कोई दखलंदाजी नहीं सी हुण 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 तां दखलंदाजी सामने दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तुहाडे सामने हो गई हरियाणा कमेटी के सामने हो गई हजूर साहब बोर्ड आ उत्थे नॉमीनेट कमेटी वख करके उत्थे अपना नॉमीनेट करता एडमिनिस्ट्रेटर लाता चलो उस चंगे आ पसरीजा साहब धनवाद आ उन्हों का चंगे एडमिनिस्ट्रेटर है गया। पर मेरा कहने का कहने तो भाव आता जी अज स्थिति आई आ इस स्थिति कदे आई नहीं अज तक। हाँ जी देखो बीजेपी जद तक धर्म के कोई दखलदाजी नहीं सी करती हुण क्योंकि सीधे तौर पर उन्हें दखलदाजी की आ इस करके असं उदों भी आर एस एस वार्न करते रहे हैं शायद थानू चेता भी होना बीबी जगीर कौर वेले भी एक असं मता पाया सी कि आर एस एस जिहड़ी आ उह सीधे तौर ते दखलंदाजी कर रही आ कुछ अपने ढंग दे नाल तद भी असीं करदे सी ते हुण तां सबूत हो गया सामने हुण तां जग जा रहा सारी गल हो गई तां जे जग जा रहा होवे फिर भी आपां अक्खां मीटी जे मेरे तों वध तुसीं जाणदे आ क्योंकि तुहाडा मीडिया दा सारे बार वेले बाहर सिलसिला जदों अकाली दल ते बीजेपी वखरे होए उस तों बाद शुरू होया जां पहलां वी करदे सी दखलंदाजी पहलां तां धर्म दे विच कदे कोई दखलंदाजी तुसीं देखदे आ करदे सी लोकमें पर हुण तां सीधी जा रहा हो गई।
कांग्रेस वाले भी किसी एम एल ए का सू मैं ना फिर कर दूंगा, वो भी एक लगा है, मैं हल तस्दीक कर रहा, वो भी इस काम के लगा है, अपना योगदान पा रहा। वाहेगुरु जी का खालसा। देश दुनिया दीयां नवीयां ते ताज़ियां तरीन खबरां लई साडे चैनल नूं सबसक्राइब करो, लाइक करो ते बैल आइकन ते क्लिक जरूर करो।